Let's do question number 2 of exercise 6b, that is coordinate geometry. Question number 2 is find the coordinates of the points of trisection of the line segment. हमें coordinates निकालने points के जो कि trisection हुआ हुआ है, मतलब तीन parts में divide हुआ हुआ है line segment joining the points A and B, जो कि join AB को तीन sections में divide किया हुआ है, उसके points निकालने हैं. तो देखिए हमारी लाइन है ये, मान लीजिए ए और बी कह रहा है, तो ए पॉइंट ये हो गया और बी पॉइंट ये हो गया. ए पॉइंट है हमारा 7 एंड माइनस 2, और बी पॉइंट है हमारा 1 एंड माइनस 5, राइट. अब वो कह रहे हैं ट्राई सेक्शन है, तो इसका मतलब ये एक पॉइंट है मान लीजिए पी और ये एक पॉइंट है क्यू, आप कोई भी नाम ले सकते हैं, दो पॉइंट्स में डिवाइड हुआ हुआ है. तो हम ये लिख लेते हैं, लेट पी एंड क्यू आर द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ ए बी. ट्राइसेक्शन हुआ हुआ है ए बी का, राइट. अब ये किस रेशियो में बांटता है, ये कुछ नहीं दे रखा है. तो हमने माना कि जो पी कोऑर्डिनेट है वो 1:2 रेशियो में बांटता है, और क्यू कोऑर्डिनेट है जो वो 2:1 में बांटता है, राइट. तो हमने कहा, देन हम ये कह सकते हैं पी डिवाइड्स, देखिए पी पहले आ रहा है, तो ये छोटा पार्ट है, ये डबल पार्ट है इसका, तो इसलिए कह रहे हैं ये 1:2 रेशियो में बांट रहा है. देन P divides AB in 1:2 ratio, right? 1:2 ratio में बांट रहा है, तो x क्या हो गया, x का coordinate कैसे निकालेंगे, m x2 plus n x1 upon m plus n. तो लेकिन m और n क्या होगा, देखिए यहां पे लिख रही हूं m हुआ 1, यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू m की हुई, और n हुआ हमारा 2, राइट. तो ये कितना आ गया, m है हमारा 1 इंटू एक्स टू. अब एक्स टू हुआ ये 1 प्लस n क्या हुआ 2, और एक्स वन क्या हुआ 7, a का कोऑर्डिनेट का फर्स्ट वैल्यू, अपॉन 1 प्लस 2. तो ये कितना आ गया 1 7 2 14 अपॉन 3, तो 15 अपॉन 3 इज कितना आया 5 आ गया. अब इसी तरीके से हम y निकाल लेंगे, तो y क्या आया हमारा my2 plus ny1 अपॉन m plus n. हमें पता है ये x1 y1, आप चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं x1 y1, x2 y2 की वैल्यू है, राइट. तो अब m आया हमारा 1, y2 कितना है -5, देखिए ये लिखा हुआ y2 -5, और प्लस n है हमारा 2 और y1 है -2 अपॉन 1 प्लस 2. तो ये कितना आ गया +5 1 5 ± -2 2 4 अपॉन 3, दोनों माइनस के थे आपस में ऐड हो गए अपॉन 3, तो ये आ गया -3. तो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, दैट इज 5 एंड -3. अब इसी तरीके से हमें Q कोऑर्डिनेट निकालना है, तो Q कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, अब जब P पॉइंट, देखिए अब जब P पॉइंट इसको 1:2 की रेशियो में था, अब Q पॉइंट कितनी रेशियो में होगा, ये दो पार्ट हो गए Q से A तक, और एक पार्ट हो गया B तक, तो 2:1 हो गया. तो ऑल्सो Q डिवाइड्स ए बी इन 2:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है. तो m आ गया हमारा 2, n आ गया 1, x1 y1 क्या हो गया, x1 हुआ हमारा 7 और y1 हुआ -2. x2 कितना हो गया, x2 हो गया 1 एंड y2 हो गया
माइनस फाइव। तो x का कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n, तो ये आ गया m था 2, x2 था 1 प्लस n था 1, x1 था हमारा 7 अपॉन 2 प्लस 1, तो ये आया 2 1 जे 2 प्लस 7 अपॉन 3, ये आ गया 9 अपॉन 3, दैट इज 3 आ गया। अब इसी तरीके से अगर y देखें तो y कितना है, m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n, तो ये कितना आ गया, m आया 2, y2 आया माइनस फाइव प्लस n आया 1, y1 आया माइनस टू अपॉन 2 प्लस 1, तो ये कितना आ गया प्लस माइनस माइनस, 5 टू जो 10 प्लस माइनस माइनस, 2 वन जो 2 अपॉन 3। तो माइनस के दोनों थे आपस में ऐड हो गए, तो दैट मींस माइनस फोर। तो क्यू कोऑर्डिनेट कितना आ गया, दैट इज थ्री एंड माइनस फोर। तो आप लिख सकते हैं चाहे नीचे कि हेंस द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ ए बी आर, पी पॉइंट पे क्या आया था, दैट इज फाइव एंड माइनस थ्री, एंड क्यू पॉइंट पे आया, एंड क्यू पॉइंट आया हमारा थ्री एंड माइनस फोर आंसर।